सभी का बहुत 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 स्वागत है। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और आज हम आप सबके सामने आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्लास के लिए जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है बच्चों, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। फटाफट सारे लोग क्लास में आ जाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार क्लास होने वाली है। हाय रॉकी, हाय जितेंद्र सिंह सोलंकी, प्रफुल, राहुल सिंह, शंकरशन मिश्रा, पूजा रानी, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति वीरा। फटाफट सब लोग क्लास में आ जाओ। देखो बेटा, बड़ा पेशेंस चाहिए भाई। जो लोग भी, याद रखिएगा कि CDS की तैयारी कर रहे हैं, CDS 2020। देखो भाई, CDS 1 तो हो चुका है, CDS 1 2020 हो चुका है। ठीक है बच्चों, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्हें हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बच्चों, उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम कासिफ अंसारी है और मैं पिछले 10 सालों से भारत में बच्चों को डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हूं। तो बेटा, जो लोग CDS 2 और CAPF की तैयारी कर रहे हैं, CAPF 2020 की, उनके लिए क्लास आज की बड़ी आवश्यक है। देखो बच्चों, एक बात बताऊं तो आप जैसा कि जानते हैं, मैं पढ़ाता हूं पूजा रानी, मैं उधर पढ़ाता हूं लेकिन वो अलग सेक्शन है, यहां अलग है। ठीक है, मैं सारी चीजें पढ़ाता हूं, बहुत सारे चीजों में पढ़ाता हूं। सो इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये CDS और CAPF का एग्जाम होता है, इसे कौन कराता है? इसे UPSC कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो देखो बेटा, CAPF का नोटिफिकेशन श्रेय सबटी जो है आपका 12 अप्रैल को आएगा, 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा CAPF का। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि बेटा आज की तारीख में अगर आपको एग्जाम सिंगल शॉट में निकालना है, सिंगल शॉट में एग्जाम चाहते हो निकालना बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों कि सिंगल शॉट में एग्जाम अगर निकालना चाहते हो कभी भी, तो याद रखना बच्चों 6 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, कम से कम 6 मंथ्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो UPSC का पेपर है, मैंने ये CDS जो एग्जाम है ये 2010 में निकाला हुआ है, CAPF 2013 में निकाला हुआ है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं एग्जाम दिया करता था ये CDS और CAPF वगैरह के, तो बड़े इजी होते थे यार, बड़े आसान आते थे पेपर। लेकिन बेटा अब ये बिल्कुल बेनिफिशियल फॉर NDA ऑल्सो, NDA के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सुनिएगा, बहुत अच्छा बता रहा हूं आपको। सो उस जमाने में क्या होता है, जब मैं CDS 2009-10 में देता तो बहुत इजी पेपर आते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर से 2016 के बाद देखा जाए तो 2016 के बाद CDS और CAPF एग्जाम, याद रखिएगा बेटा, वो बहुत टफ हो गया है। अब ये इतना इजी नहीं रहा क्योंकि UPSC लेवल का एग्जाम है और UPSC के होने की वजह से जो GS का सेक्शन है वो कंपैरेटिवली मुश्किल हुआ है। लेकिन मैं इस चीज को सुनिश्चित करता हूं कि अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको CDS 2 में 50 नंबर GS में जरूर दिला दूंगा, याद रखिएगा। हालांकि सेक्शनल कट ऑफ 20 नंबर होती है, मैं 50 जरूर दिलाऊंगा, इतना वादा है, याद रखिएगा। जय हिंद। आइए भाई, तो इतना आपको जरूर मिलेगा। प्लस आपको बात यह है बेटा कि CDS की अगर तैयारी कर रहे हो और सीरियस हो एग्जाम को तो पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CDS में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते कि तुम गए और चुटकी बजा के काम कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होती है बेटा, ज्योति वीरा वहां नहीं होती है, CDS में होती है। CAPF में भी सेक्शनल कट ऑफ होती है, लेकिन CAPF की सेक्शनल कट ऑफ हर बार चेंज होती रहती है। वो कमीशन डिसाइड करता है एग्जाम होने के बाद कि, पेपर देखने के बाद कि उसका लेवल क्या था, फिर सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड करता है। जैसे CDS 1 2019 का पेपर आज तक के इतिहास में कहा जाता है सबसे टफ आया था। CDS 1 2019 का पेपर बहुत टफ था, याद रखिएगा, बहुत टफ था। और CDS 1 2019 का जब पेपर हुआ तो याद रखिएगा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि GS में सिर्फ 10% की सेक्शनल कट ऑफ बनाई गई, सिर्फ 10 नंबर 100 में से।
लेकिन अगर आप देखें तो सीडीएस 2019 कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, और इस बार का जो सीडीएस 1 है 2020 का, इसका जो जीएस सेक्शन था पिछले तीन सालों में मैंने सबसे इजी देखा। पिछले तीन सालों में सीडीएस 1 2020 का जो जीएस सेक्शन था वो कंपैरेटिवली इजी था। तो मैं आपसे कहूंगा कि यूपीएससी लेवल की पढ़ाई है बेटा, तो थोड़ा सा पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। उसी की कड़ी में आज मैं पहली आपके लिए क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। भारत में राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, व्हेन आई गो टू अनअकैडमी प्लस आई आस्क अबाउट 40 क्या चीज सर, सीएपीएफ क्लियर करना है, बिल्कुल विनय शर्मा मैं आपको क्लियर कराने में पूरी मदद करूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। अभी आज पूरी क्लास देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 90 मिनट्स बैठ जाओ, आज 90 मिनट आज मुझे दे दो, तुम्हें सब बताऊंगा कि किस तरह से क्या करना है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 90 मिनट जो है बैठना पड़ेगा। मालती कर बेटा, आपको जो एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, याद रखिएगा एक साल का सब्सक्रिप्शन, सुन लो बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं आपको करना क्या है, आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सीरियस पे जाकर के 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है बेटा वो 8,000 रुपए में है, सुन लो ध्यान से बता रहा हूं, 8,000 रुपए में है, मात्र 8,000 रुपए में। इसमें पूरे साल जितने डिफेंस एग्जाम की तैयारी होगी सारी कराई जाएगी, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकैट हो, आईनेट हो, टेरिटोरियल आर्मी हो, एनडीओ, हर चीज की तैयारी कराई जाएगी। 8,000 रुपए 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। और अगर मेरा कोड इस्तेमाल कर लोगे QALIVE, ये मेरा कोड है, QA बोले तो कासिफ अंसारी लाइव, और याद रखिएगा कि इस कोड को इस्तेमाल करते ही 800 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 8,000 - 800 तो 7,200 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको मेरा कोड इस्तेमाल करने से QALIVE का। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो और हमारे साथ पढ़ो बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो मैं बताता हूं। बिल्कुल आदित्य कुमार, 180 डेज का बैच अभी शुरू हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा आपको, उससे 100% क्लियर होगा, आपको लगना है, बस बता रहा हूं, सुन लो बेटा। अभिनव दीक्षित, बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, सुन लो, पहले मेरी सुनो। आसिफ रजा साहब ने क्या पूछा है, मैं देख नहीं पाया, मैं देख पाता हूं। हाँ सर, अनअकैडमी में पढ़ने से तो बेनिफिट है, अलग से रीडिंग करना जरूरी है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर आप, अब एक सेकंड सुन लो बेटा, अभी सब बता रहा हूं। देखो, अब हमारा जो आप ये देखेंगे कोर्स हमारा आ रहा है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं, हमारा जो ये कोर्स आ रहा है बच्चों, आप देखिए ये हमारा ये कोर्स आ रहा है अपकमिंग बैच, याद रखिएगा हमारा ये कोर्स आ रहा है अपकमिंग पेड बैच जो आ रहा है अनअकैडमी प्लस पर, लक्ष्य 180 डे मास्टर कोर्स फॉर सीडीएस 2 एंड सीएपीएफ 2020 2 मार्च से शुरू हो जाएगा, 2 मार्च से बैच शुरू हो जाएगा और अब हम एनरोलमेंट बंद करने वाले हैं, याद रखिएगा। इस बैच में आपको 300 से ज्यादा स्टडी आवर्स मिलेंगे, 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा, हर क्विजेस मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, याद रखिएगा अनअकैडमी प्लस पर हर चौथा सेशन जो है डाउट सेशन होता है, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। अब आपको अगर हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, ये हमने आपके लिए शुरू किया है ताकि आपको कोई भी डाउट्स हुआ करें किसी भी प्रकार के, बेटा इस नंबर पर फोन कर लो, तुम्हारे लिए ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस नंबर पर तभी फोन करना है जब बैच एडमिशन लेना हो, नहीं, अगर कोई डाउट भी है डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड तो यहां जाकर फोन कर लो, 8851900221। अब इस बैच को पढ़ाने वाला कौन है मैं आपको बता दूं, देखिए डॉक्टर अमित सिसोदिया साहब, बेटा ये जो है इंग्लिश के एक बहुत बड़े ज्ञाता है, इंग्लिश पढ़ाएंगे ये आपको सीडीएस की, और सीएपीएफ का जो पेपर 2 का अंग्रेजी है वो भी पढ़ाएंगे आपको। रणधीर सर बेटा मैथ्स के एक सुपर टीचर है, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे।
मैं आपको जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का सेक्शन पढ़ाऊंगा। साइंस का सेक्शन नीतू ढाका मैम पढ़ाएंगी। और कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर सीएपीएफ का जो आपका सीएपीएफ है, सर सीएपीएफ का जो आपका रीजनिंग है वो कौन पढ़ाएगा? तो सीएपीएफ की रीजनिंग मोहित कवात्रा सर पढ़ाएंगे, तो ये रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको शेड्यूल भी बता देता हूं, एक बार सुन लीजिएगा। इस बैच को लेने का फायदा यह है, इस बैच को अगर आपने ले लिया तो याद रखिएगा, इस बैच को लेने का फायदा यह है कि आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं होगी। अभिनव दीक्षित साहब, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, नो बुक्स, कोई किताब नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लेना बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई किताब नहीं खरीदने की जरूरत है। बेटा अगर तुमसे 7,200 रुपए ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर किताब कहेंगे पढ़ने को, तब उसका फायदा क्या है जीवन में? कोई यूज नहीं है, तो कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं, इस बैच का शेड्यूल कैसा रहेगा, सुन लो बेटा एक बार ध्यान से, जैसा आपको बता दे रहा हूं शेड्यूल सुन लो। तो यहां पर क्या होगा कि जो जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये रहेगा आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 4 बजे। जीएस में जो साइंस का सेक्शन है, जो नीतू ढाका मैम पढ़ाने वाली हैं, वो आपका रहेगा ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे 4 PM। इंग्लिश जो है बेटा, इंग्लिश की बात अगर हम करते हैं, इंग्लिश भी हफ्ते में 3 दिन रहेगी, हफ्ते में 3 दिन रहेगी इंग्लिश, अमित सिसोदिया सर पढ़ाने वाले हैं, जो कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे होगी शायद, और ये दोपहर को 2 बजे है। मैथ्स की क्लास जो है बेटा आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, वो आपका संडे और वेडनेसडे को रात में 10:30 PM। सो बेटा ये श्योर शॉट बैच है, जिसको आना है आ जाओ, 100% सिलेक्शन दिया जाएगा, ये गारंटी है। कोड जरूर इस्तेमाल करना मेरा, जिसका नाम है QALIVE, तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, बहुत अच्छा होगा। बेटा प्लस पर ये बैच 2 तारीख से शुरू होगा ना, आर्यंत सिंह टेंशन ना लो, 2 तारीख से बैच शुरू होगा, सब कुछ दिखाई देगा, जाओ जाकर के देखो, वहां पर तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑफ 180 डेज दिखाई दे रहा होगा, वहां पर जाकर कर सकते हो। क्लियर है भाई सबको? अब सब लोग थम्सअप दिखा दे मुझे सारे लोग, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ताकि आप देखिए कि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है, कैसे समझना है। तो भाई आज का टॉपिक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। बेटा सच्चाई बताओ, ये टॉपिक क्यों चुना है? ये टॉपिक इसलिए चुना है बच्चों, क्योंकि हमारे देश में याद रखिएगा कि 99% लोगों को ये नहीं मालूम कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। 99% लोगों को नहीं मालूम कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, याद रखिएगा। और अगर आप किताबों से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और टीचर्स की बात करें तो भारत के टीचर्स राष्ट्रपति का इलेक्शन पढ़ाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं आता है, सच बता रहा हूं, खुद नहीं आता है। आधे ज्यादा टीचरों को खुद नहीं मालूम कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता कैसे। बेटा ये 75 मिनट लगेंगे उसको समझाने में, 75 मिनट्स। तो 75 मिनट सब लोग तैयार हैं, बैठे हैं, यस कह के बताइए भाई हाँ कि हम पढ़ेंगे सर, आज समझेंगे। आज के तारीख के बाद भारत में आपसे कोई कभी नहीं कहेगा कि हमें राष्ट्रपति का चुनाव नहीं आता है, आप सबको आएगा। क्लियर है? शुरू किया जाए तो देखो बेटा, अब आपको समझ में आएगा यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कैसे होती है। भाई देखो, सबसे पहले बात आती है हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात आती है। देखो बेटा, हमारे देश में सर भारत बताइए ना, और टीचर 8 मंथ्स के लिए लाकर लेकर आ रहे हैं, आपका भी 6 मंथ्स के, 6 मंथ्स में हो जाएगा। आदित्य कुमार ना हो तो मुझे बताइएगा बेटा, क्वालिटी और क्वांटिटी में क्यों जाते हो? तुम्हें एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए ना, वो हम तुम्हें निकाल के देंगे।
तुम्हें पीएचडी करनी है, एग्जाम निकालना है आदित्य कुमार, दो में से एक चीज सोच लेना, बस वो आपको मिलेगा। और बेटा मैं आपको बता दूं कि सीरियस 2019 में हमने, इसी टीम ने 200 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराया है रिटर्न में, याद रखिए 200 प्लस सिलेक्शन है बेटा हमारे रिटर्न में 2020 में, याद रखिएगा 2019 में सीरियस 2 में 200 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है रिटर्न एग्जाम में। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। अगर बात करते हैं बच्चों, देखो राष्ट्रपति, हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, सबसे पहला प्रश्न, सबसे बेसिक प्रश्न, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र भारत के संविधान में कहां पर किया गया है, जल्दी बताइए। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जल्दी बताओ, हमारे देश के कौन से संविधान के आर्टिकल में बताया गया है कि देश में राष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा बच्चों, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि हमारे देश में बच्चों एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति होगा, आप जो है इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है संविधान के। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, सो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है बेटा वो देश का नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है नाम मात्र प्रमुख, सिर्फ नाम का हेड है। कहते हैं बच्चों वो हमारे देश का सिर्फ और सिर्फ एक सेरिमोनियल हेड है, सिर्फ नाम का प्रमुख है, काम का नहीं। इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक अ बर्ड हु लिव्स इन अ गोल्डन केज। भारत का राष्ट्रपति एक ऐसी चिड़िया है जो सोने के पिंजड़े में रहती है। तो भले ही उसका जो पिंजड़ा है सोने का है, राष्ट्रपति भवन है, लेकिन है तो बेटा वो पिंजड़ा, याद रखिए। 2010 की बात है, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख रहा था, जीएस का पेपर 2 की बात है। एक क्वेश्चन आया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक अ फुल मून इन अ ब्रॉड डेलाइट, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। भारत का राष्ट्रपति पूरा चांद है लेकिन दिन की रोशनी में निकलता है। तो है तो बेटा वो पूरा चांद लेकिन निकलता दोपहर को है। तो दोपहर को जब चांद निकलेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि सूरज जो है उसको ओवरशैडो करेगा। मतलब सूरज कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, और राष्ट्रपति चांद है लेकिन दोपहर का चांद है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति महोदय होंगे, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा अब बात आती है, याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो देश का नाम मात्र प्रमुख होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। हम कह सकते हैं कि देश में सिर्फ नाम का ही प्रमुख है, काम का नहीं होता है, सिर्फ नाम का प्रमुख होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। और याद रखिएगा इसके साथ साथ हमारे देश का सबसे पहला नागरिक होता है। तो फर्स्ट सिटीजन होने की वजह से उसको कई फायदे हैं, जैसे कि आप देखेंगे कोई भी चीज जब हमारे देश में आए तो सबसे पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है। जब देश में आधार कार्ड आया तो पहले राष्ट्रपति को दिया गया। देश में कोई भी चीज आएगी तो सबसे पहला जो बेनिफिशियरी होगा वो राष्ट्रपति होगा, क्योंकि वो देश का पहला नागरिक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड and he is the first citizen of the
कंट्री याद रखिएगा। अच्छा, अब बात यह आती है बच्चों, याद रखिएगा कि सबसे पहला कि भारत के राष्ट्रपति का पद लिया कहां से गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इस पद को हमने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, हमेशा याद रखना। तो ये पद जो है बेटा वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है बच्चों कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 54, 55 and 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 54, 55 and 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, 55 और 71 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन करता है। आर्टिकल नंबर 54, 55 and 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54, 55 और 71 में बताया गया है, याद रखिएगा 54, 55, 71। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसे कहां से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है, इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भारत के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया जो है वो डील करती है, हमेशा याद करना मेरे बच्चों। अच्छा, अब समझो, अब प्रश्न ये आता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो देखो बच्चों, ऐसा होता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको मालूम है कि चुनाव की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, चुनाव बहुत होते हैं लोकतंत्र में। लेकिन प्रॉब्लम समझो बच्चों कि हमारे देश में साल भर चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं, कभी एमपी का चुनाव, कभी एमएलए का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, चुनाव ही चुनाव होते हैं और चुनाव में बहुत पैसा खर्चा होता है, याद रखिए। आप देखेंगे बच्चों कि जब भी देश में चुनाव होता है हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है। जब भी हमारे देश में चुनाव होता है तो क्या होता है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चुनाव का खर्चा बेटा तुमसे ही वसूला जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का सेस लगाकर, कृषि कल्याण योजना का सेस लगाकर, किसान और सफाई के नाम पर तुमसे पैसे वसूल लिए जाते हैं और तुमको मालूम ही नहीं होता है बेटा। सो आर्टिकल 54, 55 और 71 जो है वो भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन बताता है। तो संवैधानिक मेकर्स ने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करते हैं, मतलब कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत की जनता द्वारा चुना नहीं जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत की जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा। फिर कैसे चुना जाएगा? सो ही विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब ये कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाएगा। मतलब राष्ट्रपति के वोट में, इलेक्शन में वोट जनता नहीं, लेकिन जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स डालेंगे। तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं बेटा? सेंटर में एमपी होते हैं, स्टेट में एमएलए होते हैं, तो ये डालेंगे वोट। तो नियम ये कहता था कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, सो आपके जो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो तो आपके क्षेत्र के एमपी और एमएलए आपके एरिया में आए और पूछें कि भाई आपके पसंद का कैंडिडेट कौन है, बड़ी बड़ी मोहल्ला सभाएं कराएं और जिसको आप कहें वो उसको जाकर वोट डाल दें। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है हमारे देश में, तो वोट उसको पड़ता है जहां से भैया पैसा मिलता है। याद रखिएगा, हमारे देश में तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कमाई करने का बहुत अच्छा सोर्स भी होता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। सो याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के बच्चों राष्ट्रपति होते हैं,
is not elected directly by the people of India. अभी सब बताएंगे बेटा, टेंशन ना लो. Not elected directly by the people of India. भारत के राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, but he is elected by, but he is indirectly elected by the people through the electoral college. याद रखिएगा, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, but he is indirectly elected by the people of India through our electoral college. ध्यान से सुनो, तो भारत के राष्ट्रपति को भारत की जनता द्वारा सीधे नहीं, बल्कि ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू आर इलेक्टोरल कॉलेज. मतलब भारत के राष्ट्रपति के लिए हमारे देश में एक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई है. ध्यान से समझिए, हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या बनाया गया है बच्चों, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है. ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं. अब प्रश्न ये आता है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं. सुन लो बेटा, ये इलेक्टोरल कॉलेज एक समूह है जिसके अंदर वो लोग होते हैं प्रशांत सिंह जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने के लिए एप्लीकेबल है. अब होता क्या है, इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर बच्चों तीन लोग होते हैं, 1, 2 and 3. इन तीन के अलावा कोई भी चौथा इंसान भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते. सुनो कौन कौन लोग होते हैं. तो सबसे पहले नंबर पे आता है जो व्यक्ति, उसे हम कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. सबसे पहले नंबर पे आते हैं बच्चों इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम कहते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, जिन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं. कहां के, तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट डालेंगे. इलेक्टेड मेंबर्स सिर्फ, मतलब सचिन तेंदुलकर, रेखा अनुवागा, मणिशंकर अय्यर, शबाना आजमी, मैरी कॉम, केटीएस तुलसी, मणिशंकर अय्यर और मैरी कॉम, ये लोग वोट नहीं डाल सकते. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो वोट नहीं डाल सकते. ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर आप एक नोट लिखेंगे और नोट के अंदर कुछ चीजें लिखेंगे. पहला चीज याद रखिएगा, 14 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट cannot vote. याद रखिएगा, संसद के जो 14 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते. cannot vote, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है. तो क्यों नहीं वोट डालने का अधिकार होता है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं. सचिन तेंदुलकर जनता के रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना, हमने तो उन्हें ना चुन के भेजा है. सो क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स डालते हैं, इसलिए सचिन तेंदुलकर और रेखा और अनुवागा, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग वोट नहीं डाल सकते. अब सुनो, बताते हैं, सुनते रहो बेटा आराम से. सेकंड नंबर पे आपको मालूम है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं. सर लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड होते हैं वो वोट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं. मैंने यहां पे लिखा हुआ है 14, आप ध्यान से देख लीजिए. तो लोकसभा के 12, अरे लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 वोट नहीं डालेंगे. ठीक है, अब सुनो. अब आपको मालूम है कि हमारे देश में बेटा कितने राज्य हैं, जल्दी बताओ हमारे देश में राज्य कितने इस समय. तो इस समय हमारे देश के अंदर राज्यों की संख्या है 28. वेरी गुड, 28 राज्य हमारे देश में, 29 नहीं है बेटा, 28 राज्य है. आपको मालूम है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 से अब राज्य नहीं रहा. ठीक है, तो 28 राज्य. So, आपको मालूम है कि 28 राज्य होने के वजह से
उन राज्यों में अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी तो हैं, अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी तो हैं, तो उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी वोट डालेंगे, जिन्हें विधानसभा के सदस्य कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 28 स्टेट्स, याद रखिएगा। अभी बताएंगे शिवानी शर्मा, बेटा टेंशन ना लो, बेटा क्लास पढ़ लो, फिर सब कुछ बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं। सो 28 राज्यों के जो एमएलए होंगे, कहां के, विधानसभाओं के, वो भी वोट डालेंगे। सो 28 राज्यों के विधानसभाओं के जो एमएलए होंगे वो भी वोट डालते हैं, 28 स्टेट्स के, याद रखिएगा। सो 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो वोट डालेंगे यहां पर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सुन, तो यहां पर वापस नोट करेंगे। अब मान लीजिए कि जो 28 राज्य हैं उनमें से किसी राज्य में इमरजेंसी लगी है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर 28 में से किसी राज्य में इमरजेंसी लगी है, तो उस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो उस कंडीशन में जिस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगी है उस राज्य के सदस्य वोट नहीं डालेंगे। याद रखिएगा, द स्टेट, याद रखिएगा, द स्टेट गोइंग थ्रू द स्टेट इमरजेंसी, जिस राज्य में राजकीय आपातकाल लगा हो, द स्टेट गोइंग थ्रू स्टेट इमरजेंसी कैन नॉट वोट, याद रखिएगा। तो जिस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगी होगी उस राज्य के विधानसभाओं के सदस्य वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, अब आपको मालूम है बेटा कि हमारे देश में 28 में से, हमारे देश में से 28 में से आपको मालूम है कि 28 राज्य हैं। अब 28 स्टेट्स में से हमारे देश में 6 स्पेशल स्टेट्स हैं, याद रखिएगा। हमारे देश में 6 स्पेशल राज्य हैं, कौन कौन से, याद रखिएगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में आपने सुना होगा। ये बेटा हमारे 6 स्पेशल राज्य हैं, और इन 6 स्पेशल राज्यों में आपको मालूम है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषद भी है। और अगर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड हो, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, याद रखिएगा, आंखें बंद करके याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखिएगा, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें आप विधान परिषद कहते हैं, कैन नॉट वोट, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, वोट नहीं डालेंगे, विधान परिषद का राष्ट्रपति के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम है कि हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, ठीक है, हुआ करती है नहीं थी, और आपको मालूम है कि उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी ऐड हुई, एक आपकी हुई जम्मू कश्मीर और एक हुई आपकी लद्दाख, तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई, 9। 1 नवंबर 2019 को हमारे देश में टोटल यूनियन टेरिटरीज की संख्या थी 9, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया,
और इस वजह से अब हमारे देश में टोटल यूनियन टेरिटरी की संख्या है 8। अब इसमें से जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें से 3 स्पेशल यूनियन टेरिटरीज हैं। 3 स्पेशल यूनियन टेरिटरीज हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव बीन गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट, उन्हें राज्य का विशेष दर्जा दिया गया है। 3 यूनियन टेरिटरीज को, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज को राज्य का विशेष दर्जा दिया गया है। सो क्योंकि इनके पास राज्य का स्पेशल स्टेटस है, इसीलिए इनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं हैं। सो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी वोट डालेंगे। तो थर्ड नंबर पे आता है मेरे बच्चों, याद रखना, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ओनली। सो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी वोट डालेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये है भारत के राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। सब लोग थम्स अप दिखाएंगे क्लास में। समझ में आया बेटा? सब लोग बताएं, सबको अच्छा लगा कि नहीं आया? तो ये 3 लोग हैं जो वोट डालते हैं, याद रखिएगा। इन 3 के अलावा कोई भी इंसान वोट डालने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अपना दिमाग हमेशा के लिए खोल लो। यूपीएससी एग्जाम क्या जानता है? यूपीएससी एग्जाम्स की यही खासियत होती है, वो बारीकियां पकड़ता है, बारीकियां पकड़ता है। सो जो बारीकियां आपको मालूम होनी चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बारीकियां अगर नहीं मालूम होगी ना तो फिर तुम्हें परेशानी होगी। तो बारीकियां समझो बच्चों, क्योंकि यूपीएससी में मेजर नहीं, माइनर चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात हो गई, अब प्रॉब्लम समझो बेटा। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि संवैधानिक मेकर्स ने कह तो दिया कि जनता का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट होगा। यस दिनेश भाई, सुनो, उन्होंने कहा कि संवैधानिक मेकर्स ने कहा कि जनता का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा तो सही। तो उन्होंने कहा कि हमें देश की हर जनता का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति के इलेक्शन में डालना है। लेकिन प्रॉब्लम समझो, हमारे देश में प्रॉब्लम भी तो बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में राज्यों की आबादी भी तो यूनिफॉर्म नहीं है। थैंक यू शिवानी। हमारे देश में राज्यों की आबादी भी तो यूनिफॉर्म नहीं है भाई। यूपी की आबादी 20 करोड़ है, सिक्किम की आबादी 5 लाख है। अब यूपी को और सिक्किम को अगर सेम वैल्यू दे दोगे तो इससे देश के हर नागरिक का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा भाई? समझो, उत्तर प्रदेश की आबादी बेटा 20 करोड़ है, समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश हैज द पॉपुलेशन ऑफ 20 करोड़, विच इज 8 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की आबादी से 8 गुना ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया हमारे भारत से एरिया में 3 गुना बड़ा है। समझो, उत्तर प्रदेश की आबादी ऑस्ट्रेलिया की आबादी से 8 गुना ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया भारत के एरिया से 3 गुना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है वो दिल्ली के बराबर है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग भारत में डेली रेलवे में यात्रा कर लेते हैं, दैट इज अराउंड 2.5 करोड़। जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में, भारत में उतने लोग हर साल पैदा हो जाते हैं। मतलब भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया का जन्म होता है, सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है बच्चों, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो सुनिएगा बच्चों कि इन ऑर्डर टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट्स, In order to give equal representations
टू ऑल द स्टेट्स, कहते हैं कि सभी राज्यों को बराबरी देने के लिए देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला इन द कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखिएगा कि सभी राज्यों को बराबरी देने के लिए हमारे संविधान में, गुड मॉर्निंग, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है. फॉर्मूला कहता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू. भैया जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू. तो भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो वैल्यू भी कम है. अब समझो, हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, लोवेस्ट पॉपुलेशन इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू. अब समझो, अब इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है. उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन. सो इस वजह से क्या होता है कि यूपी का एक वोट जो है वो 208 वोट के बराबर है. वन वोट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इक्वल टू 208 वोट्स. एंड सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, तो वन वोट इज इक्वल टू ओनली 7 वोट्स. तो यूपी का एक वोट जो है 208 वोट और सिक्किम का एक वोट 7 वोट. बेटा राहुल कुमार पासवान सुनते रहो, भी आराम से सब कुछ बताऊंगा क्लास के अंत में, पहले टॉपिक तो क्लियर कर दो तुम लोग को. सो यूपी का एक वोट 208 वोट और सिक्किम का एक वोट 7 वोट. अब भाई साहब हुआ ये कि सभी राज्यों ने अपने नागरिकों से कहा कि एक काम करो भैया, आबादी बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज्यादा आबादी होगी हम उतना ज्यादा राष्ट्रपति के इलेक्शन में आगे बढ़ेंगे. तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि भैया आप जो हैं अपने अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए. अब हुआ क्या समझो कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक नारा दिया, हम दो और हमारे दो. हमारे देश में फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट आया, हम दो और हमारे दो. जनता ने कहा हम दो और आप हमारे गिन लो, है ना बेटा. सरकार कह रही थी हम दो और हमारे दो, जनता कह रही थी हम दो और हमारे, आप खुद गिन लो, समझ रहे हैं. और राज्यों ने क्या किया कि राज्यों ने फैमिली प्लानिंग को स्वीकार करने से पूरी तरह से नाकार दिया कि हम नहीं करेंगे. अब सरकार फंस गई धर्म संकट में कि भैया करें तो क्या करें. सरकार ने सारे आईएएस ऑफिसर्स को बुलाया और कहा भैया दिमाग लगाओ, तो दिमाग तो तुम्हारे पास ही है, और बताओ कि हम क्या करें, हम भैया इस बवाल से कैसे बाहर निकलें. सो आईएएस ऑफिसर्स ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और कहा कि बताओ भैया परेशानी क्या है, तुम फैमिली प्लानिंग को क्यों नहीं अडॉप्ट करते हो. तो मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करेंगे तो इससे हमारी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वैल्यू कम हो जाएगी और हम ये नहीं चाहते, बस सिंपल एज दैट. हम ये नहीं चाहते कि हमारी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वैल्यू घट जाए. तो आईएएस ऑफिसर्स ने कहा ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं. हमारे देश में फैमिली प्लानिंग कब आई, हमारे देश में फैमिली प्लानिंग का मेजर कब आया सबसे पहली बार, 1971 में. चलो भाई बहुत बढ़िया, 1971 में आया. सो आईएएस ऑफिसर्स ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि साहब बात बताइए, 1971 तक तो सबने आबादी अपनी मर्जी से बढ़ाई. उन्होंने कहा जी साहब बिल्कुल सही बात है. तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, राष्ट्रपति की इलेक्शन में जो वैल्यू निकाली जाएगी वो प्रेजेंट पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, 1971 की आबादी के आधार पर निकाली जाएगी. आप खुश हो, मतलब कि आप फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करिए, हम राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वैल्यू निकालेंगे वो 1971 की आबादी के आधार पर निकालेंगे. मतलब कि आईएएस ऑफिसर्स ने कहा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में
जो बेस ईयर रखा जाएगा पॉपुलेशन का वो क्या रखा जाएगा? तो उन्होंने कहा बेस ईयर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम रख देते हैं सेंसस ऑफ 1971, 1971 की जनगणना को मान लेते हैं। चलो भाई खत्म करते हैं, झंझटी खत्म करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, उन राज्यों का क्या जो 1971 के बाद बनेंगे, जैसे उत्तराखंड, तो भाई ठीक है इसकी बात की जाएगी। अब देखा जाएगा कि 1971 में यूपी की आबादी कितनी थी, तो 1971 में यूपी की आबादी 13.5 करोड़ के आसपास थी, 13.5 करोड़। अब देखा जाएगा उस 13.5 करोड़ में पहाड़ी कितने थे, तो उन 13.5 करोड़ में पहाड़ियों की जो संख्या थी वो थी करीब 5 करोड़। तो कहा गया एक काम करते हैं कि यूपी के 13.5 करोड़ में 5 करोड़ माइनस कर देते हैं, मतलब जो भी हम करेंगे वो 1971 के हिसाब से ही करेंगे, याद रखिएगा। तब जाकर राज्यों ने माना, तब जाके राज्य माने कि ठीक है भैया अब हम पहाड़ी मींस जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, तब जाके माने। और याद रखिएगा हमारे देश में जो फैमिली प्लानिंग है वो 50 सालों के लिए आई थी, 1971 से 2021 तक, तो 50 इयर्स की फैमिली प्लानिंग बेटा हमारे देश में आई थी, याद रखिएगा, वो 1971 से 2021, मतलब अभी 2021 तक तो ये चेंज नहीं होना है, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन का बेस ईयर है अभी यही रहेगा। अब हो सकता है कि 2021 के बाद सरकार इसे चेंज कर दे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार 2021 के बाद इसे फिर एक्सटेंड कर देगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक सबको क्लियर हो गया, सब लोग थम्स अप दिखा दे, यहां तक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक। अब समझते हैं अब वैल्यू निकालते कैसे, सुनो अब आपको वैल्यू भी निकालना सिखा देता हूं। देखो बेटा कंसेप्ट कहता है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, भाई जब एक एमएलए वोट डालता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, एक एमएलए एक वोट डालेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहता है बच्चों स्टेट पॉपुलेशन, राज्य की आबादी, डिवाइड बाय 1000 इनटू टोटल इलेक्टेड एमएलए, स्टेट पॉपुलेशन डिवाइड बाय 1000 इनटू टोटल इलेक्टेड एमएलए, ये है इसका बेटा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहता है स्टेट पॉपुलेशन डिवाइड बाय 1000 इनटू टोटल इलेक्टेड एमएलए, अब समझते हैं बच्चों। अब इस हिसाब से देखा जाए तो अब हम वैल्यू निकालें यूपी की, तो यूपी की सबसे पहली बात स्टेट पॉपुलेशन कितनी है, तो 1971 के आधार पर देखा जाए तो यूपी की आबादी 13.5 करोड़, लेकिन उसमें से उत्तराखंड की वैल्यू बाहर हो गई, तो उत्तर प्रदेश की वैल्यू जो है वो करीब 8,38,49,705 के आसपास है। ये बेटा मुझे याद है इसलिए मुझे लिख दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 8,38,49,705 ये टोटल वैल्यू है उत्तर प्रदेश की, पॉपुलेशन डिवाइड बाई 1000 इंटू टोटल एमएलए यूपी में कितने हैं 403। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो तुम देखोगे कि एक वोट जो है वो 208 वोट के बराबर गिना जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यूपी की वैल्यू कितनी हो गई, तो यूपी की वैल्यू हो गई 403 इंटू 208, तो आप कह सकते हैं कि यूपी की वैल्यू अकेले बेटा 83,000+ वोट के बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा देश में राष्ट्रपति बनेगा तो वही जो उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा, याद रखिएगा। कहते हैं बेटा यूपी जो है वो है कर्म भूमि, दिल्ली जो है वो है फल भूमि, लखनऊ में कर्म नहीं किया तो दिल्ली में फल नहीं मिलेगा। सो यूपी की जो राजनीतिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है बेटा हमारे, हमारे देश के 11 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, मतलब आप अगर देश में अपनी राजनीतिक इंपॉर्टेंस चाहते हैं तो यूपी कनेक्शन बहुत जरूरी है,
यह हमारे नरेंद्र मोदी साहब को भी मालूम हो चुका था, इसीलिए उन्होंने वडोदरा लोकसभा सीट छोड़ करके वाराणसी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि देश में पीएम बन गए और यूपी कनेक्शन नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए यूपी कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन वाले राज्य को देखें सिक्किम, तो सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी थी उस जमाने में, तो 209,412 मात्र, डिवाइड बाई 1000 इंटू टोटल एमएलए सिक्किम में कितने हैं, मात्र 32, तो मात्र 32 एमएलए हैं सिक्किम में। तो आप देखेंगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वोट जो है वो 7 वोट के बराबर है, मतलब पूरे सिक्किम राज्य की वैल्यू कितनी हो गई, 32 × 7, तो पूरे सिक्किम राज्य की वैल्यू 224 वोट के बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पूरा सिक्किम राज्य वोट डाल दे और यूपी का एक मेंबर वोट डाल दे तो ऑलमोस्ट बराबर है। यूपी के एक मेंबर की वैल्यू 208 और पूरे सिक्किम राज्य की वैल्यू 224, समझ में आई बात। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग राज्यों की वैल्यू निकालेंगे, बाद में सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास सभी राज्यों की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो बेटा अगर टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएस की बात करें तो एमएलएस की जो टोटल वैल्यू निकलेगी वो 549,474 वोट्स के बराबर निकल के आए, 549,474 वोट्स, ये टोटल वैल्यू है। सबको ऐड कर दो, यूपी के 83,000, हरियाणा के 10,000, बिहार के 50,000, सबको ऐड कर दोगे तो ऐड करके ये वैल्यू निकलेगी। ये तब निकलेगी जब देश का हर एमएलए वोट डालने के लिए प्रेजेंट हो, तो ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है। अब ऑन द अदर हैंड अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। अब एमपी की वैल्यू कितनी है, तो एमपी की वैल्यू है बेटा देखो टोटल वैल्यू ऑफ वोट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, सो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीस, इसको हम जो है टोटल एमपीस से डिवाइड कर दें, बोले तो कहां के, लोकसभा प्लस राज्यसभा। सो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए कितनी निकली है, एमपी मींस, नहीं बेटा एमपी की सेम होगी सबकी, नहीं बेटा बता रहा हूं एमपी की सबकी सेम होगी, यस एमपी चाहे यूपी का हो चाहे हरियाणा का हो चाहे सिक्किम का हो सबकी वैल्यू सेम होगी। सो टोटल वैल्यू कितनी निकली है, 549,474 डिवाइड बाई टोटल एमपीस, तो टोटल इलेक्टेड एमपीस, तो लोकसभा में इलेक्टेड एमपीस कितने हैं, 543 और राज्यसभा में कितने हैं, 233। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि एक वोट जो है वो 708 वोट के बराबर होता है, 1 vote = 708 votes, एक वोट जो है 708 वोट के बराबर है, लेकिन फायदा यूपी को ही होगा, क्यों, क्योंकि यूपी के पास एमपी ज्यादा है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31, तो यूपी के पास टोटल 111 एमपी हैं। तो आप देख सकते हैं यूपी की वैल्यू कितनी हो गई, 708 × 111, तो आप देख सकते हैं यूपी की वैल्यू फिर बहुत ज्यादा हो गई। तो यूपी को फायदा दोनों जगह से होता है, एमपी में भी और एमएलए में भी, आप समझो बेटा। अब इस तरह से टोटल वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसकी, इस तरह से आप टोटल वैल्यू ऑफ एमपी निकाल सकते हैं। अब एमपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आती है कुछ 549,408 वोट्स, ये टोटल वैल्यू ऑफ एमपी निकल के आती है अगर सब एमपी और एमएलए वोट डालने के लिए प्रेजेंट हो। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद फाइनल वैल्यू निकाली जाती है। फाइनल वैल्यू कैसे निकलती है, फाइनल वैल्यू निकलती है एमपी प्लस एमएलए, फाइनल वैल्यू निकलती है एमपी प्लस एमएलए, तो 549,408 प्लस 549,474 दोनों को ऐड किया तो हमने देखा 1,098,882 वोट्स, ये है बेटा फाइनल वैल्यू अगर देश का हर एमपी और हर एमएलए वोट डालने के लिए प्रेजेंट हो।
अब होता क्या है कि विजेता कौन घोषित होगा इसमें से, सुन लो, तो विजेता वो घोषित होगा जिसको 50% प्लस वन वोट मिलेगा मिनिमम। जिस व्यक्ति को मिनिमम इतने वोट्स मिलेंगे वो विजेता हो जाएगा। मतलब कि 5,49,441 प्लस वन, तो जिस इंसान को इतने वोट्स मिलेंगे वो विनर घोषित हो जाएगा। इतने वोट्स जिसको मिलेंगे वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि उस दिन इतने वोट ही नहीं पड़े, टोटल 1,00,000 वोट पड़े हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। 1,00,000 का आधा 50,000 प्लस वन, तो जिस इंसान को 50,000 एक वोट मिलेंगे वो विजेता हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो कोई भी व्यक्ति जिसको 50% प्लस वन वोट मिलेगा वो विजेता घोषित हो जाएगा। अब एक और कंडीशन फंसती है कि मान लो कि कहीं कंडीशन ऑफ अ टाई हो गई, जिसे बेटा आप लोग कंडीशन ऑफ अ डेडलॉक कहते हैं। मान लेते हैं कि दो लोगों को 50-50 वोट मिल गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको बताया कि टोटल एमपी 543 प्लस 233 है, टोटल कितने हो गए 776, लेकिन वोट डालते हैं 775। एक इंसान से कहा जाता है कि तुम इंतजार करो, जब टाई होगा तब तुम वोट डालना। और बेटा देश आजाद हुए 70 साल हो गए, उस तक नंबर ना आया आज तक वोट डालने का। लेकिन बेटा जिस दिन वो वोट डालेगा सीधे जीत और हार में फर्क करेगा, और वो कौन होता है? वो होता है बच्चों स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा का स्पीकर होता है। इसीलिए लोकसभा के स्पीकर के वोट को हम क्या कहते हैं? इसीलिए लोकसभा के स्पीकर के वोट को हम कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट भी कहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो वोट डालेगा उस दिन जीत और हार में पूरी तरह से फर्क कर देगा। लेकिन 70 साल में आज तक उसका वोट डालने का कभी नंबर नहीं आया। थम्स अप भाई एवरीवन, सबको मजा आया कि नहीं आया यहां तक जल्दी बताएं। मजा आया कि नहीं आया भाई? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बारीकियां समझ में आ रही? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है अभी कहानी में, तो बहुत कुछ मजा आएगा आपको। अभी समझो, यहां तक तो सारी कहानी हो गई। अब जो वोटिंग होती है, समझो कैसे होती है, याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति इलेक्शन में वोटिंग होती है, याद रखिएगा, द वोटिंग इज बेस्ड अपॉन, द वोटिंग इज बेस्ड अपॉन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। The voting is based upon single transferable voting system. जो voting होती है उसे कहा जाता है single transferable voting system. Single vote plus transferable vote. समझो बेटा, तो single transferable voting system के आधार पर हमने voting करी है। होता क्या है समझो, हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं वो EVM पर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव बेटा आज भी जो है वो बैलेट पेपर पर होता है, याद रखिएगा। अब मैं एक एमपी हूं, फॉर एग्जांपल भाई मैं एक एमपी हूं और मैं वोट डालने पहुंचा, सपोज फॉर एग्जांपल, चलो भाई बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल बताता हूं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो बच्चों, मैं एक एमपी हूं, मैं वोट डालने पहुंचा, मेरे सामने भैया पर्चा पड़ा हुआ है, ये बैलेट पेपर है। अब बैलेट पेपर में जितने लोगों ने चुनाव में इलेक्शन में खड़े हुए उनके नाम होंगे यहां पर। मान लेते हैं सबसे पहले कैंडिडेट हैं श्री विनय शर्मा साहब, हमारे विनय शर्मा साहब सबसे पहले कैंडिडेट हैं। ये देखिए विनय शर्मा साहब के आगे इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। विनय शर्मा आई एम सॉरी लेकिन आपकी हार निश्चित है, ठीक है? विनय शर्मा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, चलो भाई कोई परेशानी नहीं है, विनय शर्मा आजकल समय खराब चल रहा है, ठीक है। दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं राहुल साहब है, दूसरे स्टूडेंट हैं राहुल। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी से है, बहुत बढ़िया, चलो भाई। तीसरे स्टूडेंट हैं हमारे सौरभ,
तीसरे स्टूडेंट मान लेते हैं हमारे सौरभ जी हैं। सौरभ जी जो है समाजवादी पार्टी से हैं। लो भैया ये तो जो है मुलायम सिंह की पार्टी के आदमी। चौथे नंबर पे मान लेते हैं हम हैं हमारे भाई कोई नाम भेज दो सिद्धार्थ। चौथे नंबर पे हमारे सिद्धांत हैं। मान लेते हैं सिद्धांत साहब जो हैं ये बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। लो भैया तो मायावती पार्टी के हैं। और पांचवें नंबर पे हमारे स्टूडेंट हैं धर्मवीर। चलो भाई धर्मवीर हो गए। धर्मवीर साहब जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं। ये तो लेफ्टिस्ट हैं बेटा, कन्हैया कुमार की पार्टी के आदमी हैं ये, ठीक है फॉर एग्जांपल। चलो अब ये पांच कैंडिडेट्स हैं। अब मेरे पास और जगह नहीं है वरना जितने चाहे उतने कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। एनीवेज डेमोक्रेटिक कंट्री है, वोट चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। अब मैं एक एमपी हूं, मैं वोट डालने पहुंचा तो मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे जो है अपनी प्रिफरेंस देना होगा यहाँ पर। जैसे कि आप लोग नॉर्मल वोट डालने जाते हैं तो आपको जैसे विनय को दबाना है तो विनय को वोट देना है तो आपने विनय का बटन दबा दिया। आपको विनय को वोट देना है तो आपने विनय का बटन दबा दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर आपको प्रिफरेंस वोटिंग करनी है। देखिए मैंने वोटिंग करी 4-2-1-5-3, ये देखो 4-2-1-5-3 मान लो मैंने ये लिखा है, विनय को चौथा, राहुल को दूसरा, सौरभ को पहला, सिद्धांत को पांचवा, धर्मवीर को तीसरा। इसका मतलब क्या है? इसका वोट का मतलब यह है कि मेरा सबसे पहला वोट जो है वो सौरभ को जाएगा। अगर मान लो कि सौरभ चुनाव जीत गए तो ठीक है, अगर सौरभ साहब चुनाव नहीं जीते तो मेरा वोट जो है वो राहुल को ट्रांसफर हो जाए। अगर राहुल चुनाव जीत गए तो ठीक है, वरना मेरा वोट धर्मवीर को ट्रांसफर होगा। ये जीत गए तो ठीक है, वरना मेरा वोट जो है विनय को ट्रांसफर होगा। और ये जीत गए तो ठीक है, वरना मेरा वोट फाइनली जो है वो सिद्धार्थ को भी ट्रांसफर हो सकता है, मैं चाहूं तो। अच्छा मैं चाहूं तो अपना पर्चा जो है बेटा ऐसे भी छोड़ के आ सकता हूं, मैं इन्हें वोट ही नहीं देना चाहता। मैं चाहूं तो अपना पर्चा ऐसे भी छोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो अपना पर्चा ऐसे भी छोड़ सकता हूं, और मैं चाहूं तो ऐसे भी छोड़ सकता हूं। मेरी मर्जी है, मैं एक ही को वोट डालना चाहता, दूसरे को देने ही नहीं चाहता। तो मैं चाहूं तो प्रेफरेंस दूं, मैं चाहूं तो प्रेफरेंस ना दूं। अब सारे लोगों ने अपनी प्रेफरेंस दे दी, इसके बाद भैया पर्चे हो गए बंद और अब इसके बाद होंगे वापस। अब आए, अब सारे लोगों के नाम लिख लिए गए भाई, यहां पर सारे लोगों के नाम लिख लिए गए वापस से। आइए, अब सबसे पहला नाम लिखा गया हमारे विनय साहब का, राहुल, सौरभ, सिद्धांत और धर्मवीर। ठीक है बेटा, विनय, राहुल, सौरभ, सिद्धांत, धर्मवीर, पांचों कैंडिडेट्स के नाम लिख लिए गए। माना गया कि इस बार जो है इलेक्शन बहुत खराब हुआ, 10 लाख वोट ही नहीं पड़े, सिर्फ 100 वोट पड़े, कोई टेंशन नहीं, नहीं इसमें नोटा नहीं होता। मान लेते हैं कि 10 लाख वोट नहीं पड़े, सिर्फ 100 वोट पड़े, मात्र 100, कोई टेंशन नहीं, एक भी पड़ेगा ना तो भी फैसला आ जाएगा, एक भी वोट पड़ेगा ना तो भी काम हो जाएगा। 100 वोट पड़े हैं तो 100 में कौन जीतेगा? जिसको भैया 50+1 51 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, सिंपल कंसेप्ट है। तो कम से कम 51 वोट मिलने चाहिए। तो भैया अब जो है पर्चे खोले जाएंगे और काउंटिंग शुरू होगी राउंड वन की। किसकी शुरू होगी? राउंड वन की काउंटिंग शुरू, पहले राउंड की। याद रखिएगा जितने कैंडिडेट्स हैं, तो अगर जितने कैंडिडेट्स हैं तो याद रखिएगा उस कंडीशन में जितने कैंडिडेट्स हैं उतने राउंड तक काउंटिंग की जा सकती है। 5 कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम काउंटिंग राउंड 5 तक जा सकती है, जाएगी, इसकी गारंटी नहीं। हमारे देश में आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब काउंटिंग राउंड 2 तक पहुंची है, जब वीवी गिरी साहब देश के राष्ट्रपति बने थे, वरना राउंड 1 में ही सब क्लियर हो जाता है। रामनाथ कोविंद साहब अभी देश के राष्ट्रपति बने हैं तो पहले राउंड में ही 7 लाख वोट मिल गए थे। अब देखा गया पर्चे खोले जाएंगे तो सबसे पहले प्रेफरेंस 1 देखी जाएगी। तो देखा गया कि प्रेफरेंस 1 देने वाले विनय को जो है 10 लोग हैं, 10 लोगों ने विनय को प्रेफरेंस 1 दी है। बहुत बढ़िया, क्या बात है।
राहुल को प्रेफरेंस वन देने वाले भैया 30 लोग हैं, इनको प्रेफरेंस वन देने वाले 15 लोग हैं, इनको प्रेफरेंस वन देने वाले 20 लोग हैं, इनको प्रेफरेंस वन देने वाले 25 लोग हैं। 10, 30, 15, 20, 25। अब देखो बेटा, अब मान ले कि हमारे देश में ये राष्ट्रपति का इलेक्शन ना होता, कोई आम चुनाव होता, तो राहुल साहब को विजेता घोषित कर दिया जाता। इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो जो इंसान सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसको वो चुनाव जीत दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में 51 वोट मिलना जरूरी है। अब ऐसी कंडीशन में भैया विजेता तो मिला नहीं हमें। अब ये तो हो गई बड़ा एक समस्याग्रस्त समय। अब हमें राउंड टू में जाना पड़ेगा। तो राउंड टू में क्या होगा कि प्रेफरेंस टू देखी जाएगी। प्रेफरेंस वन हो गई, अब प्रेफरेंस कौन सी देखी जाएगी? सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले देखा जाएगा सबसे कम वोट किसको मिले हैं। तो सबसे कम वोट विनय को मिले हैं, तो विनय साहब जो है राउंड टू के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये बाहर हो गए चुनाव से। प्लस इनके जो 10 वोट हैं वो बाकी सब में बांट दिए जाएंगे। ढाई इनको मिल गए, ढाई इनको मिल गए, ढाई इनको मिल गए और ढाई इनको मिल गए। बहुत बढ़िया, ये पहुंच गए बेटा 32.5 पर, ये पहुंच गए 17.5 पर, ये पहुंच गए 22.5 पर और ये पहुंच गए 27.5 पर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब राउंड टू में देखा गया कि विनय को तो बेटा 30 वोट मिले हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि विनय के वोट तो खराब हो चुके हैं। राहुल को मिले हैं राउंड टू में 15 वोट, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इनको मिले हैं 10 वोट, 30 और 15, 45, 55, इन्हें मिले हैं 25 वोट, नहीं इन्हें मिले हैं 30 वोट, ठीक है। तो 30 और 30, 60, 75, 85, इनको मिले हैं 15 वोट, ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए 47.5, ये पहुंच गए बेटा आपके 27.5, ये पहुंच गए आपके 37.5 और ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए 57.5। मतलब धर्मवीर साहब ने जो है 51 को सबसे पहले क्रॉस किया है, तो धर्मवीर साहब बन गए विजेता। इससे एक चीज साबित होती है कि अगर किसी इंसान को राउंड वन में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। धर्मवीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आइए शपथ दिला देते हैं। सब लोग थम्स अप दिखा दे यार, यहां तक क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया। तो ये है बेटा यहां तक प्रोसेस, अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी और भी है बेटा, अभी बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी कहानी और भी है बेटा, अभी कहानी बाकी है। कहावत सुनी है ना, अभी कहानी बाकी है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कहानी आगे हमारी बढ़ती है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो बेटा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, आपको मालूम है, और लोकतांत्रिक देश में आपको मालूम है कि बेटा हर इंसान को चुनाव लड़ने की आजादी है। भाई आपको मालूम है कि हर इंसान को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की तो पूरी आजादी होती है, सही बात है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा, आप चुनाव लड़ सकते हैं। सुनो बच्चों, सो अब लेकिन आपको क्या करना होता है बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने पड़ते हैं। क्या रखने पड़ते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे आप कहा जाता है हिंदी में, जमानत रखनी पड़ती है जाके भारतीय रिजर्व बैंक। आपको अपने सबसे निकटतम भारतीय रिजर्व बैंक में जाकर के जमानत रखवानी पड़ेगी और आपको कम से कम 1/6 वोट तो मिलना जो है वो अनिवार्य है। मतलब कि अगर 100 वोट पड़े हैं तो कम से कम 17 वोट तो आपको भी मिलने चाहिए, वरना ये जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी। याद रखिएगा, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। देखो हमारे देश में हारना मना नहीं है, लेकिन हमारे देश में बुरी तरह से हारना बिल्कुल मना है, ठीक है बेटा, बुरी तरह से नहीं हारना चाहिए, ठीक है, हारना मना है लेकिन बुरी तरह से हारना मना है। तो आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अभी जब दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 70 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं
और 67 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। बेटा ये बहुत शर्मनाक, भाई चुनाव हारो लेकिन तुम मिनिमम वोट तक नहीं पाए पा रहे हो बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक शर्म की बात है। मतलब आपको 1/6 वोट पाने में समस्या हो रही है भाई, इससे बड़ी और क्या प्रॉब्लम होगी भाई बताओ। तो 1/6 वोट पाना भी बेटा जरूरी काम है समझो। और हमारे देश में ऐसे बेवकूफों की बिल्कुल कमी नहीं है जिनको चुनाव लड़ने का शौक है और खूब जमानत जब्त होती है। और बेटा हमारे राखी सावंत जी सुना होगा आपने, 13 वोट मिले थे उन्हें, 13% नहीं 13 वोट ही मिले थे। सो हमारे देश में बेटा याद रखिएगा कि ये समस्या है। हाँ वो जमाने मिलेंगे, और इलेक्शन कमीशन की करोड़ों रुपए कमाई होती इस चीज से। एक व्यक्ति है उनका नाम कुछ ऐसा है चौधरी बलदेव सिंह, जो दिल्ली के पास एक जगह है नजफगढ़ वहां रहते हैं, उनका नाम गिनीज बुक में है बेटा, दुनिया में सबसे ज्यादा बार चुनाव लड़ने का और दुनिया में सबसे ज्यादा बार चुनाव हारने का। उन्होंने 400 बार चुनाव लड़े हैं और 400 बार उनकी जमानत जब्त हुई है, याद रखिएगा 400 बार चुनाव लड़ा, 400 बार जमानत जब्त हुई है, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो उन्होंने ना लड़ा हो भारत में। तो ऐसे भी हैं, कोई परेशानी नहीं है बेटा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि भाई आप जो हैं जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी हैं, आप शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं, कितना देना होगा? देखो बेटा अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो, प्रेसिडेंट का या उपराष्ट्रपति का, जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो तो भैया 15,000 रुपए जमा करवा देना जा करके। अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा वगैरह का, तो भैया 25,000 जमा करा देना। और अगर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो तो 10,000 जमा करा देना। शेड्यूल कास्ट हो तो बेटा ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो तो आधी हो जाएगी 5,000, 12,500, यहां 15,000 रहेगा, इसमें चेंज नहीं हो। इसके अलावा आपको मालूम है कि चुनाव में भैया प्रचार करने का भी तो अधिकार होता है, कैंपेनिंग का। याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो बेटा कोई कैंपेनिंग होती नहीं है, याद रखिएगा। एमपी के चुनाव में याद रखिएगा आप जो हैं एक सीट पर मैक्सिमम 70 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, कितना 70 लाख एक सीट पर। और एमएलए के चुनाव में एक सीट पर 40 लाख, कई राज्यों में बेटा 28 लाख की भी लिमिट है, जैसे यूपी में 28 लाख ही है। क्या है दारू वारू ज्यादा पिला दी जाती है ना बेटा, इसलिए तो ऑन पेपर्स है बेटा 70 लाख में। तो तुम क्या बताऊं मैं, तुम लोग क्या मतलब कहते हैं ना वो सभासद का चुनाव भी नहीं जीत पाओगे बेटा 70 लाख में। तो हमारे देश में अगर आपको लोकसभा इलेक्शन जीतना है तो नॉर्थ इंडिया में कम से कम 2.5-3 करोड़, और साउथ इंडिया में हो तो कम से कम 10-12 करोड़, याद रखिएगा। साउथ इंडियन इलेक्शंस जो होते हैं ज्यादा महंगे होते हैं, कारण यह है कि साउथ इंडिया की जो जनता होती है वो ज्यादा जो है बेटा पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में तो क्या है कि रॉयल स्टैग और बिरयानी से ही काम चल जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में बेटा जो है जनता पढ़ी लिखी है, वहां पर चुनाव में बेटा रिवाज है, वहां एसी टीवी फ्रिज ये सब बटता है। तो वहां पर चुनाव में जो है बेटा सामान बटते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तब वोट मिलता है। तो साउथ इंडियन इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एज मोर कॉस्टली, याद रखिएगा, एज कंपेयर टू द नॉर्मल इलेक्शंस। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बताइएगा फटाफट, थम्सअप दिखा देंगे सारे के सारे लोग। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। अब बात यह आती है कि भैया जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के क्षेत्र में जाना पड़ता है। आपको अपने क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के क्षेत्र में जाना पड़ता है और रिटर्निंग ऑफिसर ज्यादातर शहर के कलेक्टर साहब होते हैं। कहते ना हा हा हु मोदी मोदी करते हुए जाते हैं भाई साहब, बिल्कुल बवाला मचाते हुए लोग है ना। तो ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि चाहे आप कोई भी हो बेटा, चुनाव का पर्चा भरने एक आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा और जब तक वो तुम्हारे पर्चे पर साइन ना कर दे तुम चुनाव लड़ नहीं सकते, याद रखिएगा। जब आप कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं तो अपने साथ दो लोग लेकर जाने पड़ते हैं, एक कहलाते हैं बच्चों प्रपोजर्स और एक कहलाते हैं सपोर्टर्स, हिंदी में बोले तो प्रस्तावक, और उन्हें कहा जाता है समर्थक। प्रस्तावक और समर्थक, प्रस्तावक वो होते हैं जो आपके नाम का प्रस्ताव देते हैं कि हां कलेक्टर साहब मैं इन्हें जानता हूं, मैं इनके नाम का प्रस्ताव देता हूं। और समर्थक वो होते हैं जो आपके नाम का समर्थन देते हैं कि हां साहब मैं इनका समर्थन करता हूं। सो प्रपोजर्स जो होते हैं आपके नाम का प्रस्ताव डालेंगे और सपोर्टर्स जो होते हैं आपके नाम का समर्थन करेंगे। सो प्रस्तावक और समर्थक ये दो तरह के लोग होते हैं, याद रखिए। एक प्रस्ताव देंगे एक समर्थन करेंगे, याद रखना मेरे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। प्रस्तावक और समर्थक हमेशा वही लोग हो सकते हैं जो आपके इलेक्शन में वोट डालते। भाई एमपी और एमएलए के इलेक्शन में वोट कौन डालता है, आम आदमी डालता है। तो एमएलए के इलेक्शन में आपको चाहिए होता है बेटा एक प्रस्तावक और एक समर्थक। एमपी के इलेक्शन में वोट कौन डालता है, आम आदमी। तो आपको यहां पर भी एक प्रपोजर और एक सपोर्टर। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डालता है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं एमपीस। तो यहां पर आपको चाहिए होते हैं 20 प्रपोजर्स और 20 सपोर्टर। और राष्ट्रपति के सिलेक्शन में वोट कौन डालता है, एमपी एमएलए। तो आपको 50 प्रपोजर्स और 50 सपोर्टर, मतलब 100 लोग अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। और मैं सच बताऊं कि 100 एमपी एमएलए को आप इकट्ठा कर नहीं पाएंगे और इस तरह से आपको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। तो 100 एमपी एमएलए आप इकट्ठा कर नहीं पाएंगे और आपको चुनाव लड़ने से क्या होगा, चुनाव लड़ने से आपको रोक दिया जाएगा। कोई समस्या नहीं है भैया, ऐश करो घर जाओ। तो चुनाव लड़ने से आपको रोक दिया जाएगा क्योंकि यहां पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 100 लोग को इकट्ठा कर ही नहीं पाएंगे, 100 एमपी एमएलए आपके नाम के लिए जाएंगे ही नहीं। तो पर्चा भरते तो बहुत लोग हैं लेकिन अंत में आप देखेंगे कि बहुत कमी लोग बचते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया, जल्दी बताइए फटाफट, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, सारे लोग थम्स अप दिखा दे भाई। अब देखो इसके बाद अब प्रश्न आता है कि मान लेते हैं कि कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया। इलेक्शन डिस्प्यूट का मतलब है मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ समस्या हो गई। मान लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, गोली चल गई, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्शन डिस्प्यूट कौन देखेगा। देखो बच्चों, हमारे देश में जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं वो सब के सब जो है रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट्स द्वारा देखे जाते हैं। हमारे देश में जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट द्वारा देखे जाते हैं, लेकिन भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है, इसके अलावा और किसी को उसका अधिकार नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अधिकार है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को देखे, इसके अलावा कोई नहीं देख सकता। सो ये हो गया बेटा हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। आई होप कि आज के बाद भारत में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा मेरा जो कहेगा कि मुझे राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं मालूम, कंप्लीट प्रोसेस इज ओवर।
मजा आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। सो बेटा ये है सीडीएस के यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स की एक झलक। तो यूपीएससी एग्जाम में अगर आप सीडीएस दे रहे हैं या सीएपीएफ दे रहे हैं, देखो बच्चों मैं बता देता हूं आपको, सीडीएस का पेपर दे रहे हो या सीएपीएफ का पेपर दे रहे हो, याद रखना हमारा बैच आ रहा है बच्चों 2 तारीख से, ये देख लो, लक्ष्य 180 डे मास्टर कोर्स फॉर सीडीएस 2 एंड सीएपीएफ, याद रखिएगा हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 2 मार्च से, याद रखिएगा 2 मार्च से शुरू हो रहा है, शानदार कोर्स है बच्चों, सुन लो इसके बारे में 2 मिनट ठीक है। इसमें 300 से ज्यादा स्टडी आवर्स मिल रहे हैं बेटा, 300 घंटे की क्लासेस है जिसमें से 200 से ज्यादा तो लाइव क्लासेस हैं। आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। ये तुम्हारे लिए बेटा हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट हुआ करे 8851900221, इस पे आप कॉल भी लगा सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। अब आपको करना क्या है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप यहां तक तो पहुंच ही गए होंगे, इसके बाद आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखो बेटा 5 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। देखो मैंने सच बताऊं ना, 1 और 3 महीने वाला तो बिल्कुल ही कोई यूज का नहीं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अच्छा है उन लोगों को जिनको लगता है कि भैया मैं 1 शॉट में पेपर निकाल दूंगा, 1 अटेम्प्ट में पेपर निकाल दूंगा, कोई समस्या नहीं, तो मैं तुमसे कहूंगा बेटा तुम 6 महीने के लिए जाओ। लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी समझो ना बेटा कि 6 महीने तक तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी, उसके बाद तो तुम्हारा SSB भी तो होगा, उसके लिए भी तो फीस दोगे दुनिया भर को। इसीलिए मैं कहूंगा बेटा कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है 12 महीने का, याद रखिए। और अगर आप ग्रेजुएशन में अभी नए हैं और धीरे धीरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो लोग न्यू इन ग्रेजुएशन हैं। तो ग्रेजुएशन में नए हो तो 24 महीने का भी ले लो। वैसे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बेस्ट क्यों है, क्योंकि देखो बेटा आपको डिफेंस एग्जाम्स की बात करें तो डिफेंस एग्जाम्स में बच्चों याद रखो कि तुम्हें साल में 10 मौके मिलते हैं, 10 चांसेस, 10 मौके मिलते हैं तुम्हें साल में ऑफिसर बनने के, भर्ती परीक्षाएं नहीं ऑफिसर बनने के। 2 बार ये मौका बेटा सीडीएस देता है, 2 बार ये मौका एफकैट देता है, 2 बार ये मौका आईनेट देता है, 2 बार ये मौका एनडीए देगा, 1 बार मौका सीएपीएफ से मिलेगा और 1 बार मौका असिस्टेंट कमांडेंट का। तो टोटल 10 पेपर्स होंगे। तो मैं कहूंगा कि हो सकता है कि तुम 10 के 10 पेपर ना निकालो, लेकिन 3 और 4 तो पेपर निकाल सकते हो, इसलिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, क्योंकि 1 साल में जितने पेपर होंगे आपको हर पेपर की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो सीडीएस हो, एफकैट हो, आईनेट हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, असिस्टेंट कमांडेंट, सब कुछ इसी में होगा। ये मैंने असिस्टेंट कमांडेंट ने टीए लिखना, टेरिटोरियल आर्मी। सर 6 महीने के बाद स्टडी मटेरियल मिलेगा अगर मैं 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लूं? बिल्कुल नहीं बेटा। दास साहब 6 महीने और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में मात्र 1800 रुपए का फर्क है, क्यों चाहते हो खराब करना? मैं कह रहा हूं 6 महीने का सब्सक्रिप्शन से अच्छा 12 महीने का है, क्योंकि बेटा बाद में तुम्हें और भी हमसे मदद चाहिए होगी। तो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, ये मिलता है 8000 रुपए में मात्र। बेटा 8000 रुपए में 1 साल तक तुम्हें कौन तैयार करवाएगा? 8000 रुपए में है। अब मेरा कोड इस्तेमाल कर लो बेटा जिसका नाम है QA Life, मेरा कोड इस्तेमाल कर लोगे QA Life कासिफ अंसारी लाइफ, सारे लेटर्स कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं, ना कोई स्पेस होगा, सारे कैपिटल लेटर्स में होगा, तो 800 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने रुपए हो गए? 7200 रुपए। तो 7200 रुपए में 10 पेपरों की तैयारी कराई जाएगी तुम्हें, और क्या लोगे बेटा? इतने सस्ते में भारत में तुम्हें कोई नहीं दे रहा है फीस, ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। अच्छा, इस कोर्स के बाद आपको फायदा क्या है? ये सब चीजें करने से आपको मिलेगा क्या? इस कोर्स को पढ़ाएगा कौन? इस कोर्स को आप देख लीजिए, डॉक्टर अमित सिसोदिया बेटा PhD होल्डर है इंग्लिश में, फैंटास्टिक टीचर है, भारत की बेस्ट टीम आपको मिल रही है। डॉक्टर अमित सिसोदिया साहब
जो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, मैंने इनसे अच्छा इंग्लिश का कोई टीचर ही नहीं देखा। मैंने सच बताओ, इनसे पढ़ना है तो बेटा सीडीएस में 60 प्लस मार्क्स को इंग्लिश में गारंटी है। रणधीर सर से मैथ्स पढ़ लो, 50 प्लस मार्क्स तो ये दिला देंगे। हम दोनों से जीएस पढ़ लो, 50 प्लस हम पहुंचा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 160 प्लस तो सीडीएस में तो मैं पहुंचा ही दिया हमने। और रीजनिंग जो सीएपीएफ का एक पार्ट है उसको मोहित कवात्रा सर पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि सर जो इंग्लिश का पेपर 2 है सीएपीएफ में वो कौन पढ़ाएगा, वो डॉक्टर रमेश सिसोदिया पढ़ाएंगे। तो इस सब्सक्रिप्शन को लेने से फायदा ये होता है कि बेटा तुम्हारी जो मेहनत होती है ना, किताबें कौन सी खरीदें, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा नोट्स देखें, कौन सा यूट्यूब देखें, बेटा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा तुम्हें। आज ही जाकर देख सकते हो स्टडी प्लान को पूरे, कोई किताब नहीं खरीदनी है बेटा। जब हमारे पास आ गया ना तो कुछ नहीं करना है। कोई डाउट हो यहां पे फोन कर लो, ये हेल्पलाइन नंबर तुम लोग के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि हमारे पास कई बार क्या होता है, टाइम कम होता है। सर टीए का नोटिफिकेशन साल में किस समय आएगा? बेटा ये हिरणमय दास, ये 3-4 महीने बाद आएगा। तो हेल्पलाइन नंबर तुम्हारे लिए 8851900000221 बहुत आसान नंबर है। So, इस बैच को पढ़ने से किस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? बेटा मैं शुरू करूंगा विनय शर्मा पॉलिटी से। पॉलिटी है सबसे पहले, फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर करंट है, और साइंस आपकी साइमल्टेनियसली ट्यूजडे थर्सडे चलती रहेगी। शेड्यूल मैंने आपको लिखा है, देख लीजिए। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 बजे, जीएस में साइंस सेक्शन ट्यूजडे थर्सडे 4 बजे, इंग्लिश मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 2 बजे, मैथ्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:30 बजे और रीजनिंग संडे वेडनेसडे 10:30 बजे। एनीबडी फ्रॉम स्टूडेंट कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट टीए क्वालिफिकेशंस? विकास यादव, मैं बता देता हूं, टीए की क्वालिफिकेशंस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होती है, आपको ग्रेजुएट होना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। आप में से कितने लोग सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं अभी तक? अभी तक कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है? ओके, आप ले चुके हैं बेटा। इंग्लिश के 3 डेज बहुत है ना, क्योंकि 6 महीने कोर्स चल रहा है ना। विनय शर्मा ले चुके हैं। विकास यादव, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है हिरन में, ठीक है, ओके okay. नहीं बेटा विकास यादव बिल्कुल नहीं। और कुछ पूछना हो पूछ लो, जो भी चाहो पूछ सकते हो। क्लास अच्छी लगी आप लोग को आज की? सुना, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंटरेस्टिंग मैंने आप लोग को जितना हो सकता है उतना डिटेल्ड एनालिसिस पे बताया। जल्दी से आ जाओ प्लस पर, यू ऑल विल एंजॉय। यस विनय शर्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास। सर सीएपीएफ लिए है कंप्लीट जीएस? बेटा ये है तो निकी, ये बैच क्या है भैया, ये बैच निकी तुम्हारा निकाला तो है। 180 डे मास्टर कोर्स फॉर सीडीएस 2 एंड सीएपीएफ निकाला तो है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र मणि सोलंकी साहब, बिल्कुल रिवीजन आपको मिलेगा वहां पर। सो ये बैच पे आ सकते हो, बहुत बढ़िया बैच है, टॉप क्लास बैच है। इसमें मतलब तुम्हारे सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, चाहे वो सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो। और कल कोई परेशानी नहीं है विकास यादव साहब, कोई परेशानी नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। कल जो है ना, कल मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन और लेके आ रहा हूँ टुमारो, अब देख लो कल भी आना। कल आप लोग के लिए स्पेशल सेशन है, फिर से सुन लो, कल फिर स्पेशल सेशन है 12 बजे। और कल मैं क्या करने वाला हूं, सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम का पोस्टमार्टम करूंगा पूरा कायदे से, कहते ना चीरहरण, ताकि मालूम तो चले कि एग्जाम में है क्या, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड वो खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, कल आइएगा 12 बजे। कल भी स्पेशल क्लास है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे,
सब लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक में जरूर अच्छा फीडबैक दीजिएगा, और खराब लगी हो तो खराब फीडबैक दीजिएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है मोहम्मद जावेद? मैंने बताया आपको बेटा 2 मार्च से। ये देख लो मोहम्मद जावेद, आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे फोन कर लो, या 1 साल का सब्सक्रिप्शन फटाफट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? 2 मार्च से। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।